राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, ये मेरा ज्योतिष का चैनल है। यहाँ पर मैं आपको ज्योतिष के आधार पर आपको उपाय देती हूँ। जो ज्योतिषीय होते हैं, प्रमाणित होते हैं, इन उपायों को करने से आपको 100% सफलता मिलती है, आपके कार्य बनते हैं। चाहे वो विवाह के आपको उपाय दे रही हूँ, आपको धन से संबंधित उपाय दे रही हूँ, आपको स्वास्थ्य से संबंधित उपाय दे रही हूँ, ये सभी आपके ऊपर वर्क करते हैं। बस एक ही चीज चाहिए आपको, पूरी सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ में, यानी पूरी पॉजिटिविटी के साथ में आप प्रयोग शुरू करते हैं, तब ये आपके लिए काम करते हैं। और जब आप बार बार इसको नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं, मेरा कुछ नहीं होता या ये बेकार के हैं, तब ये आपके ऊपर वर्क नहीं करते हैं। इसके साथ ही मैं कुंडलियों का भी विश्लेषण करके आपको उपाय देती हूँ, जो कि मेरी पेड सुविधा, यानी कि यहाँ पर आपको फीस देनी होती है। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको फीस देनी होती है। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर में डेली आप स्क्रीन पे भी देती हूँ, कमेंट बॉक्स में भी देती हूँ, उस पर आप प्रोसीजर जान सकते हैं, यानी कि आप अपना प्रक्रिया जान सकते हैं कि आपसे मेरे अपॉइंटमेंट के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, कोई भी उपाय तभी आपके ऊपर कार्य करता है जब आप उसमें अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा लगाते हैं और लगन से करते हैं। वो कम से कम आपको 3 महीने का समय देना होता है किसी भी उपाय को करने पर। आपके अगर ग्रह परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी तो आपको ये मिनटों में सफलता दिला जाएगा। अगर मान लीजिए वो आपके फेवर में नहीं है, तब भी आपको 3 महीने के अंदर आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दिलाने के पूरा भरसक प्रयास होता है इन उपायों का। डेली आप अगर मेरे अमृत की बूंद और जादू अक्षर करना शुरू कर देते हैं तो ये सबसे पहले आपके मानसिक टेंशन को दूर करते हैं, मानसिक तनाव को दूर करते हैं, आपको मेंटल पीस प्रदान करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं, साथ में आपको ग्रहों का भी आपको सपोर्ट मिलने लगता है। दोस्तों, अगर आप डेली मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करते हैं, अपनी समस्याओं से संबंधित जो भी मैं आपको उपाय दे रही हूँ वो भी करना आप शुरू कर देते हैं, तो आपके जीवन में आप आज उपाय आप शुरू कर रहे हैं, उसके 6 महीने बाद आप अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप 100% कहेंगे कि आपको आपकी जिंदगी में बड़े सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। आज भी मैं दोस्तों आपके लिए अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लाई हूँ, साथ में आपको झाड़ू के कुछ अद्भुत प्रयोग दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, और जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई। दोस्तों, झाड़ू को माता महालक्ष्मी का रूप बताया गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि झाड़ू को हमेशा अपने घर में संभाल कर रखना चाहिए, जैसे कि हम धन रख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे घर से गंदगी को निकालकर हमारे घर में माता माँ लक्ष्मी के आगमन का प्रवेश के लिए मार्ग खोलती है। जैसे हमारे जीवन में भी अगर निगेटिव विचार हैं, अगर हम उनमें झाड़ू लगाकर उन्हें बाहर करते रहें और पॉजिटिविटी अंदर लाते रहेंगे, तब भी हमारे जीवन में हमेशा सुखद वातावरण बना रहेगा, हमारे सभी कार्य सोचे हुए पूरे होने लगते हैं। झाड़ू दोस्तों आप अपने घर में सभी इस्तेमाल करते हैं, कभी भी आपको झाड़ू को अपने घर में अपने मेन डोर पर नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि घर के बाहर ही झाड़ू पोंछे पड़े हैं, आपकी झाड़ू पड़ी हैं, पोंछे पड़े हैं, एक साथ दो दो चार चार झाड़ू इधर उधर डाल दी गई, इससे आपके धन समृद्धि के मार्ग रुक जाते हैं, माता माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। हमेशा झाड़ू को अपने घर में इस्तेमाल करने के बाद छुपा कर रखना चाहिए, कभी भी उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। झाड़ू को आप थर्सडे दिन वाले दिन खरीद कर लाइए, शुक्रवार वाले दिन खरीद कर लाइए, और इसको हमेशा छुपा कर रखिए। नई झाड़ू को अगर आप सैटरडे वाले दिन उससे अपने घर की सफाई शुरू करना शुरू करते हैं, तब भी आपके घर में धन समृद्धि के मार्ग खुलने लगते हैं। ये कोई ऐसे ही आपसे नहीं कहा जा रहा है, ये पुराणों में वर्णित है, हमारे प्राचीन धर्म में भी बताया गया है। शाम के समय झाड़ू लगाने के लिए इसीलिए मना की जाती है कि शाम के समय माता माँ लक्ष्मी का समय होता है, गौधूली की बेला में, उस समय आपके झाड़ू लगाने से, कचरा बाहर फेंकने से अपने घर की समृद्धि आपकी घर से चली जाती है। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी अपने घर में दो झाड़ुओं को एक साथ नहीं रखना चाहिए, हमेशा झाड़ुओं को अलग अलग रखना चाहिए। आपको अपनी झाड़ू अपने घर की उत्तर पश्चिम के कोण में रखनी चाहिए, आपको झाड़ू खड़ी रखनी चाहिए। खड़ू मतलब कि जैसे कि झाड़ू हम चलाते हैं तो वो चल रही है, यानी कि धन हमारे घर में आ रहा है। आपने लिटा दिया, यानी कि आपने समृद्धि को अपने को रोक दिया। तो झाड़ू को जो हम हाथ से पकड़ते हैं वो हिस्सा ऊपर होना चाहिए और उसका झाड़ू वाला हिस्सा नीचे, उसको इस तरह से ले जाकर किसी भी कोने में खड़ा कर दीजिए। बहुत से लोगों की मान्यता है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, इससे घर में क्लेश होता है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आप उसको लिटा कर रख सकते हैं, लेकिन हमेशा इनको छुपा कर रखना चाहिए।
आपका काम हो गया, उसके बाद झाड़ू को छुपा दीजिए। कभी भी दरवाजे के ऊपर आप आसपास झाड़ू पोछा कभी भी नहीं आपको पड़ा छोड़ना चाहिए। इसके साथ ही किचन में यानी अपने रसोई घर में आपको झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए। आप किचन में झाड़ू पोछा कर दीजिए, उसके बाद वहां से उसको हटा दीजिए। ये भी आपके धन समृद्धि के मार्ग को रोक देता है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रयोग, अगर आप भी धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो किसी भी शुक्रवार वाले दिन आप 3 झाड़ू कोरी झाड़ू खरीद कर अपने घर में लाकर रख लीजिए, और चाहे तो शुक्रवार वाले दिन सुबह ही अंधेरे कोई आपको टोके नहीं, चुपचाप मंदिर में रखकर चले जाइए, आइए, किसी के हाथ में नहीं देना। या फिर आप शनिवार को भी ये 3 झाड़ू किसी भी मंदिर में रखकर आ सकते हैं, ऐसे जाइए कि कोई आपको टोके नहीं। 3 झाड़ू को एक साथ दान करने से भी आपके घर में माता मां लक्ष्मी का अनवरत प्रवेश चालू हो जाता है और आपके घर में भी धन समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक छोटी सी झाड़ू, ये जो नारियल की झाड़ू आती है जिन्हें सीख झाड़ू भी बोला जाता है, इस झाड़ू में से एक छोटी सी झाड़ू बनाइए और उसको कलावे से बांधकर आप अपने मेन गेट के पीछे टांग देते हैं, अंदर की तरफ पीछे की तरफ भी आप टांग देते हैं, ये भी आपके घर में धन समृद्धि के मार्ग को खोलती है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप एक छोटी सी ही झाड़ू बनाइए, जो आपकी सीख की झाड़ू, उसमें से छोटी सी झाड़ू बना लीजिए, लाल कलावे से बांधकर बच्चे के पढ़ने वाली टेबल के नीचे रख दीजिए। उसको मंगलवार को रख दीजिए और शनिवार को उस झाड़ू को धो दीजिए और फिर से कलावे से बांधकर फिर बच्चे की टेबल के नीचे रख दीजिए। बच्चे का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा तब भी बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा इस छोटे से प्रयोग से। एक प्रयोग दोस्तों, अगर आपके घर में धन समृद्धि आना के मार्ग रुक गए हैं, माता मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न नहीं है और आपके पास खर्चे आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, तो रात के समय आप अपने जो भी आपकी झाड़ू है उसे आप आपका जो मेन गेट है उसके अंदर रख दीजिए और उसके नीचे 2 चुटकी जीरा पाउडर, जीरे के दाने बिछा दीजिए, उसके ऊपर झाड़ू को रख दीजिए। ये आपको नियम से करना होगा, यानी कि डेली करना होगा। और जब सुबह आप उठें तो सबसे पहले जब आप अपना मेन गेट खोलें तो झाड़ू लगाएं, मेन गेट के बाहर और अंदर झाड़ू लगाएं, ये जीरा इकट्ठा कर लें और किसी पौधे की जड़ में छोड़ दें और बाहर तक मेन गेट को झाड़ दें। इससे होता क्या है दोस्तों कि जब, और सबसे पहले घर की महिलाएं मेन गेट खोलें, आपने झाड़ू लगाई, वो जीरा आपने हाथ में इकट्ठा कर लिया, क्योंकि जीरा राहु और केतु होते हैं जो कि शुद्ध रूप से आपको अचानक धन की प्राप्ति भी करवाते हैं। राहु केतु झाड़ू माँ माता माँ लक्ष्मी का रूप है। आप सुबह उठे, आपने झाड़ू लगाई तो आपने अपना मेन गेट साफ कर दिया, यानी कि माता माँ लक्ष्मी के आगमन के आपने मार्ग खोल दिए। जीरा उठा लिया आपने, थोड़ा सा जल लिया और आपने अपने मेन गेट पर छिड़क दिया, यानी जमीन पर आपने छिड़काव कर दिया और माता माँ लक्ष्मी का मनी मन ध्यान कर लिया और झाड़ू को ले जाकर कहीं छुपा कर रख दिया। आप के यहाँ मेड आती हो तब भी आपको अपना मेन गेट और अपना जो सेंटर हॉल है उसमें आपको सुबह जरूर झाड़ू लगानी चाहिए। इससे आपके घर में चाहे कैसी भी, आपके घर में किसी की कैसी भी दशाएं चल रही हों, कितना भी बुरा समय चल रहा हो, धीरे धीरे आपके घर में समृद्धि के मार्ग खुलने लगते हैं, बुरी दशाओं का प्रभाव खत्म होने लगता है, राहु केतु शांत होने लगते हैं। उस जीरे को उठाकर किसी पौधे की जड़ में छोड़ते जाइए, देखिए राहु केतु शांत होने लगते हैं, माता मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आपके अन्न धन के भंडारे भरने लगते हैं। तो इतना चमत्कारिक प्रयोग है, जरूर कीजिए दोस्तों, इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रह पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे, महिला, पुरुष सभी के लिए समान रूप से प्रभावी और कारगर है। ये 17 अगस्त 2021 दिन मंगलवार, आज का राहु काल है 3:05 से 5 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:52 तक। इससे आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक हरी इलायची का सेवन करना है, ये आपके आज बुध को प्रबल करेगा और आपकी वाणी से जो भी निकलेगा वो कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। आज का जादुई अक्षर है कमल वाला का। दोस्तों इस तरह से कमल वाला का, इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंडर पर कहीं पर लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे भूल जाएगा, मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक अपने साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। प्लीज इसे नाली में ना बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं।
अब दोस्तों जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में 17 अगस्त आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। इसके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति इस लकी नंबर को अपने पास 24 घंटे तक रख सकता है। आज का लकी नंबर है 3, यानी 3 नंबर। एक व्हाइट कलर के पेपर पर 3 नंबर रेड कलर से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। इसके अलावा दोस्तों आप अपना कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना नाम लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना टाइम लिखिए, अपना बर्थ प्लेस लिखिए, साथ में अपना एक क्वेश्चन लिखिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर मैं आपके उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगी। इसके साथ ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप मेरी पेड सुविधा है, इसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए आप उससे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादू अक्षर के साथ।